यहाँ पे मैं विजुअल बेसिक 6.0 का मैं स्टार्टिंग में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं ये बताने के लिए एक विजुअल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ विजुअल बेसिक 6.0 का। इसमें मैं तीन टेक्स्ट बॉक्स और तीन कमांड बटन लिया हूँ, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री। कमांड वन में ऐड लिखा हुआ है, उसका कैप्शन जो है वो ऐड कर दिया गया है, सब्स्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। अब देखेंगे एक नेम प्रॉपर्टी में, आप देखेंगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, दूसरे में टेक्स्ट टू लिखा हुआ है, तीसरे में टेक्स्ट थ्री लिया है। एक्चुअली टेक्स्ट वन जो है यहाँ पे एक ऐड जो है कमांड वन है, सब्स्ट्रैक्ट कमांड टू, मल्टीप्लाई कमांड थ्री है। कमांड वन को जब हम क्लिक ऐड को क्लिक कर रहे हैं, हमारे सामने लिख के आ रहा है कमांड वन पे क्लिक इवेंट, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा। यहाँ ध्यान देना इस बात का ज़रूरी है कि टेक्स्ट वन जो है उसमें हम नंबर इंसर्ट करेंगे, टेक्स्ट टू में हम नंबर इंसर्ट करेंगे और टेक्स्ट थ्री में रिजल्ट आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि वेरिएबल कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले डिम ए एज इंटीजर, हमने ए नाम का यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया है। तो इसमें डिम, डिम का मतलब होता है डायमेंशन, और यहाँ पे ए लिखा है। ए जो है वो हमारे सामने एक वेरिएबल है, हम नाम में कुछ भी रख सकते थे, ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं, वहाँ पर एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जो हमारी मर्जी में हो, जो वेरिएबल्स के रूल्स कहते हैं उसके आधार पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इसका मतलब इसकी एक रेंज होती है कि इसमें आप -32,768 नंबर से लेकर पॉजिटिव में 32,767 नंबर तक हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। ए में जो वैल्यू स्टोर होगी सिर्फ यही होगी। यदि आप मान लीजिए 32,768 लिखते हैं तो यहाँ पर आपको एक रन टाइम एरर देगा। तो यहाँ पर हमारे सामने ए एक वेरिएबल है और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर, और उसकी रेंज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये एक रेंज है, ये सामने मैंने इसे कमेंट ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें एक एपोस्ट्रॉफी जो सिंगल कोट्स है वो लगा दिया गया जिससे वो कमेंट लाइन बन जाता है। यहाँ पे दो वेरिएबल हमने क्रिएट किया, डिम बी एज इंटीजर और डिम टोटल एज इंटीजर, तीनों के तीनों इंटीजर हैं। तो डिम ए, डिम बी और टोटल, तीन वेरिएबल यहाँ पर हैं। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि ए और बी को ऐड करना है और आंसर जो है वो टोटल पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ए नाम का वेरिएबल ए प्लस बी, और कभी भी ध्यान देंगे जो वैल्यूज जो स्टोर होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में होगी, तो टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए का जो वैल्यू है प्लस बी, उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, टोटल में जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो एडिशन है वो किस में स्टोर होगा, टोटल में होगा। बट यहाँ बात यह है कि ए में वैल्यू आएगी कैसे और बी में वैल्यू कैसे आएगी, ये हमारा मेन उद्देश्य है कि ए में वैल्यू कैसे आएगी। तो उसके लिए जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसमें से आएगा। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये फार्मूला ए इज इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट जब हम लिखते हैं, तो ये डॉट देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट वन में जो भी एंट्री करेंगे वो ए में आ जाएगी। बी इज इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट में देखिए ऑटो लिस्ट आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली आता है, ये प्रॉपर्टीज है, ये अपने आप आएगा। तो ये टेक्स्ट टू में जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, बी में। तो टेक्स्ट वन में की वैल्यू ए में और टेक्स्ट टू की वैल्यू बी में स्टोर होगी। अब देखेंगे कि जो फार्मूला मैंने लिखा है टेक्स्ट थ्री में क्या आएगा, टेक्स्ट, अब जो इसका एडिशन है ये किसका आएगा, टोटल का, मगर टोटल कहाँ लिख दिया गया, ऊपर, ऊपर में अभी नहीं होगा क्योंकि पहले इनपुट देना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है हम हटा के कहाँ डालेंगे, इसको ए में और बी में एंट्री के बाद डालेंगे, तब तो ए और बी को ऐड कर पाएंगे, क्योंकि ए टेक्स्ट वन से हमने वैल्यू ए में और टेक्स्ट टू से वैल्यू जो है बी में जब डालेंगे, ए प्लस बी होगा वो टोटल में जाएगा, और टोटल की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, टेक्स्ट थ्री में जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, वेरिएबल क्रिएट किया और एक जो टेक्स्ट वन की वैल्यू ए में, टेक्स्ट टू की वैल्यू बी में, ए प्लस बी की जो वैल्यू है टोटल में, और टोटल की जो वैल्यू है वो टेक्स्ट थ्री में डाल रहा है। अब ध्यान देंगे ये है हमारा कमांड वन, कमांड वन किसके लिए था, एडिशन के लिए है, ये पूरा फार्मूला एडिशन के लिए हुआ। इसको रन करा के देखते हैं, प्ले बटन को क्लिक करते हैं, हमारे सामने आएगा टेक्स्ट वन में वैल्यू, मैंने मान लीजिए डाल दिया यहाँ पे 10, यहाँ डाल दिया 50, तो आंसर कितना आएगा, ऐड बटन दबाने पर 25 आएगा। देखेंगे यहाँ पे कि 25 कब आया, मगर यहीं पर मैं सब्सट्रैक्ट बटन दबाऊँ तो कोई काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने उस पर कोडिंग नहीं करी गई है, ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। इसमें पर्टिकुलर जब तक मैं उसमें कोडिंग पे, जब तक कोई इवेंट फायर नहीं होगा और उसके अंदर की कोडिंग, और ऑलरेडी हमने कोडिंग वो लिखी नहीं है, तो नहीं आंसर आएगा। तो
ना सबस्ट्रैक्ट काम करेगा ना मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। अब देखेंगे टैक्स में मैंने यहाँ पे 1 लाख डाल दिया, ये 1 लाख डालने के बाद मैं यदि ऐड बटन दबाता हूँ तो मुझे एरर देगा, रन टाइम एरर देगा ओवरफ्लो का। क्यों दे रहा है ऐसा? क्यों दे रहा है? इसलिए क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ए जो है वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसकी जो वैल्यू है वो 3276 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर उससे ज़्यादा नहीं लेता है, तो इसलिए वहाँ पर एरर दे रहा है। जब हम सबस्ट्रेट को क्लिक करते हैं कुछ भी काम नहीं करेगा। अब इसमें डबल क्लिक करेंगे, ध्यान रखें डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये लिख के आएगा प्राइवेट सब कमांड टू क्लिक इवेंट। तो यहाँ पर हमारे सामने सेम कोडिंग है, उठा के इसको पेस्ट मारेंगे, बस यहाँ पर एक ही चीज़ का चेंज करें क्योंकि सब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि माइनस हो रहा है तो प्लस की जगह क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर टोटल इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को माइनस करेंगे और टोटल में आएगा। अब यहाँ पर प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर यदि मान लो मैंने यहाँ 10 किया या 20 किया, 15 सब ऐड बटन दबाएंगे क्या हो जाए 35, मगर सेम चीज़ को मैं सब्सट्रैक्ट बटन दबाता हूँ तो दिखाएगा 5, क्योंकि 20 माइनस 15 5 दिखाएगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई कोडिंग नहीं हुई है। अब मैं उस पर कोडिंग करना चाहता हूँ तो वापस मैं डिजाइन टाइम पे जाऊँगा, फॉर्म पे जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, ये लिख के आएगा प्राइवेट सब कमांड 3 पे क्लिक इवेंट। जब मैं इसको सेम कोडिंग उठा के वहाँ डालूंगा, क्योंकि यहाँ ध्यान देंगे मल्टीप्लीकेशन है तो क्या चीज़ चेंज करेंगे, सिर्फ हम सिंबल चेंज करेंगे, कौन सा प्लस और प्लस की जगह माइनस किया गया था, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे इंटू लगा दिया गया और अब हम इसे रन कराते हैं, बन गया हमारा कोडिंग। यहाँ पर फिर सेम हमने 20 लिखा, यहाँ 15 लिखा और 300 यहाँ दिखाएगा मल्टीप्लाई में। यदि यही चीज़ को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 दिखाएगा, ऐड करेंगे तो 35 दिखाएगा। तो यहाँ पर